कोई साजिश ना आई जब वकील लेता रुपया कमेटी भाई बाबा देता है ना रुपया और जो युद्ध करवा बताए जो जो हर जगह जा रहे हाथ रसू गई जी वकील साहब बाबा जा रहे थे बाबा ने बोला का मेरे चरणों की धूल ले जाओ अपने अपने घर जनता आएगी उनके पीछे और ये धक्का मुक्की हुई है और कोई नहीं है सब बाबा को फांसी होनी चाहिए बाबा को फांसी होनी चाहिए बाबा रेपिस्ट है जो खत्म हुआ है उनको छेड़छाड़ लगी हुई है 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलने चाहिए मुआवजा बाबा की तरफ से मिलना चाहिए और बाबा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए फांसी होनी चाहिए बाबा को फांसी होनी चाहिए और अंधविश्वास है अंधविश्वास कुछ नहीं है अंधविश्वास मिलाया बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब तो कह रहे हैं कि बाबा कोई दोष नहीं है ये कहते हैं कि मेरे चरणों की धूल लगा लो माता के साथ सब दुर्भाग्य खत्म हो जाएगी बाबा तो कह रहे हैं कि ये वकील साहब कह रहे हैं समझे बाबा मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे सबसे पहली बात बाबा सही है तो मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे बाबा को आने चाहिए मीडिया पे आने चाहिए अपने भक्तों को जो भक्त हैं इनके लिए बताना चाहिए मीडिया पे आके क्यों नहीं आ ये मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं बाबा को आना चाहिए यहाँ पर अपने भक्तों के बीच में हाँ भक्तों के बीच में आना चाहिए यहाँ पे घायलों के साथ परिजनों के साथ यहाँ आना चाहिए बाबा शक्तिशाली यहाँ पर आगे बाबा शक्तिशाली जिंदा करे भक्तों को आगे बाबा तो लोगों की मौत यहाँ पर क्यों होती है अगर बाबा नहीं आते यहाँ पर तो लोगों की क्यों मौत होती बाबा को अगर यहाँ पर लोगों का खत्म हो गए तो बाबा को आना चाहिए यहाँ पर नहीं आना चाहिए वकील साहब तो कह रहे हैं कि कोई दोष ही नहीं वकील साहब कह रहे हैं कोई दोष नहीं है अब बाबा के चरणों की धूल कहाँ गई अब बाबा के चरणों की धूल कहाँ गई शक्ति वाली लोगों की जान बचाती जी ने पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि मेरे भक्त मर रहे हैं उनको पीछे मुड़ के देखना भी चाहिए बाबा के खिलाफ किस तरीके से जनता के बीच इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा है आक्रोश नजर आ रहा है वो आप सीधे लाइव देख रहे थे। अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि हादसे तो होते ही रहते हैं। रामगोपाल ने यह भी कह दिया कि ये साजिश नहीं ये हादसा है। तो रामगोपाल यादव ने कहा कि हादसे तो होते रहते हैं और जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये कोई साजिश अगर है तो इसका भी पता लगाया जाएगा साजिश होगी तो एक्शन लिया जाएगा लेकिन रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि ये हादसा है साजिश नहीं है। ये हादसा तो हादसा ही होते हैं सबरीमाला पे हो गया हर जगह होता रहता है जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है ज़्यादा भीड़ हो गई आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है जांच चल रही तो उसमें एक हादसा हो गया गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी लेकिन हादसा है ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं जैसा कुछ लोग कहने लगे। वीरेश देखिए एक तरफ तो जो बाबा के अनुयायी हैं वो ये कह रहे हैं कि हादसे हैं वक्त है ऐसा हो गया और दूसरी तरफ राजनीति देखिए रामगोपाल यादव ये बयान दे रहे हैं कि ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं ये कोई साजिश नहीं है। अच्छा तो ये इसका जवाब तो जनता ही बताएगी। ये बताओ कि राजनीति भी शुरू हो गई है नेता लोग कह रहे हैं ये साजिश नहीं है ये हादसा है ऐसे हादसे तो होते रहते हैं ये साजिश भी बोल रहे हैं नेता लोग और हादसे भी बोल रहे हैं बता रहे हैं कि हादसा भी हो सकता है साजिश भी हो सकती है। साजिश क्या होती है धक्का मार रहा था उसने एक लड़की में वो जो डंडा लेके ठा रहे थे उसने वो औरत गिरी गई उनने धक्का मारा है जब एक लेडीज गिरी है ताके बाद तरा ऊपर गिरते चले आए चरणों की धूल लेने के लिए भागे थे एकदम उसने धक्का मार दिया। नेता लोग कह रहे हैं कि साजिश नहीं है तो ऐसी घटना होती रहती है ऐसे कैसे घटना हो जाएगी सब बाबा की साजिश है बाबा के कर्मचारियों ने स्वयं धक्का मुक्की की है यहाँ पर तब सब कुछ हुआ है और बाबा ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि मेरे चरणों की धूल ले जाना अपने घर पे मैं जा रहा हूँ और धक्का मुक्की इसीलिए हुई है बाबा ने पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा है कि जनता मेरी जनता मर रही है क्या हो रहा है क्या नहीं। यादव कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई है तो घटना होती रहती है तो घटना तो होती रहती है जब इन्हें मालूम है कि इतने लोग मरे हैं तो बाबा को कम से कम यहाँ पर आना चाहिए कि नाम चाहिए। अब ये वकील साहब ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है बस गुस्सा दिखाई दे रहा है रामगोपाल यादव ने जो कहा अब थोड़ी सी संवेदनशीलता तो नेताओं को भी दिखानी होगी। ये कहा जा रहा है कि ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं अब इस बयान को लेकर भी लोगों में गुस्सा और साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ये कि आखिर कहाँ छिपा बैठा है सत्संग वाला सूरजपाल।